सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जेक्टाइज टीम। मैं हूं दीवम। एंड पूरा यूट्यूब, पूरे न्यूज़ चैनल, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड सर्च करेंगे या फिर लेटेस्ट न्यूज़ सर्च करेंगे तो इससे भरा पड़ा हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या थे, 2017 में आए थे, फिर 5 साल क्यों लग गए, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा यूपीएससी, व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ऐसे पूछेगा क्या? लगता है नहीं, यूपीएससी कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। यही फर्क है एक स्टेट पीसीएस और एक यूपीएससी एग्जाम में। तो आइए, क्या समझना है इसमें और क्या पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझते हैं। सबसे पहली बात, प्रीलिम्स पास में है तो प्रिलिम्स में कहां से क्वेश्चन आएगा? तो नंबर वन पॉइंट आप जरूर नोट करिए, जैसा कि मैंने पहले बोला कि डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर एक्सट्रीमली अनलाइक, मतलब आने के चांसेस बहुत रेयर है। फिर भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। दूसरी चीज, प्रिलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जितने भी बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स है, लाइक बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स ऑन आरटीआई है ना, फंडामेंटल राइट्स और स्टेट्यूटरी राइट्स, दूसरा आपका प्रोसीजर विथ रिगार्ड्स टू मनी बिल, तीसरा पावर्स ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, है ना, क्यों पावर्स ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा? आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा लोकसभा के स्पीकर के पास, लोकसभा के स्पीकर के पास इतनी पावर होती है कि वो कोई बिल अगर कोई लेकर आ रहा है उसको उसी वक्त स्टॉप कर सकता है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। आप फिर कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि सर मनी बिल हो गया, ये बिल हो गया या फिर बजट हो गया इसमें, नहीं ऐसा नहीं होता। कुछ बिल्स रहते हैं ऐसे जिनको स्पीकर डायरेक्टली खारिज कर सकता है कि ये आप नहीं ला सकते। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आरटीआई फंडामेंटल राइट और स्टेट्यूटरी राइट, पावर ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तीसरी चीज़ प्रोसीजर विथ रिगार्ड्स टू मनी बिल, और चौथी चीज़ अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड फंक्शंस ऑफ ECI। ये टॉपिक्स को लिख लीजिए, यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस करंट अफेयर से। मेंस की अगर बात की जाए तो अगेन नंबर वन थिंग, डायरेक्ट क्वेश्चंस आर अनलाइक, ठीक है, एक्सट्रीमली अनलाइक बल्कि, लेकिन कैन बी यूज्ड एज एन एग्जांपल और केस स्टडी इन फॉलोइंग एरियाज। नंबर वन, राइट टू इंफॉर्मेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड आउटकम। नंबर टू, प्राइवेसी, एप्लीकेशन ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। नंबर थ्री, मनी बिल्स, स्पीकर्स रोल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नंबर फोर, जुडिशियल रिव्यू, रोल ऑफ द कोर्ट्स इन इलेक्टोरल प्रोसेस। नंबर फाइव, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, जैसे अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी करा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, ठीक है, तो PIL, लेजिटिमेट कॉजेस, ठीक है, या फिर एजेंडा इश्यूज, ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल फंडिंग्स, वे फॉरवर्ड, और सिक्स नंबर पर रोल ऑफ ECI, है ना, ऑटोनॉमी एंड रोल उसके। नंबर सेवन पे आप लिख सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं बच रही है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इसके तहत ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, पॉलिसी एडवोकेसी एंड रिफॉर्म्स, ADR जिसको बोला जाता है, ब्लैक मनी के यूजेस एंड प्रिवेंशन पर सुप्रीम कोर्ट और सारे जजमेंट्स क्या आए हैं, और एथिक्स एग्जाम्पल, मीन्स वर्सेस द एंड्स। तो मेंस में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, और जहाँ तक रिसर्च हमने, हमारी टीम ने करी है, मैं इतना श्योरिटी से कह सकता हूँ कि इन टॉपिक्स के बाहर इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन उसके इनडायरेक्ट कौन कौन से टॉपिक्स में से, प्रिलिम्स में क्या आ सकता है, मेंस में क्या आ सकता है, उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप चाहेंगे कि ये रिसेंट जो अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर क्यों करा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा, वैसे ढेर वीडियोज अवेलेबल है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि मैं बनाऊँ तो मैं ज़रूर बना दूंगा इस पर। और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, UPSC की वीडियोस के लिए, काइंडली फॉलो टू EXECTIES। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू EXECTIES। थैंक यू, आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।